खबर सुल्तानपुर से है, जहां मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में महिलाओं के लिए 40% सीटों के आरक्षण की घोषणा करते हुए प्रदेश के सियासत में हलचल मचा दी है। बताते चले कि उनके इस ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार को प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में एकत्र हुई सैकड़ों महिलाओं ने प्रियंका गांधी के निर्णय का स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया। तो वहीं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष नौशाद हुसैन खान की अगुवाई व उपाध्यक्ष अमित सिंह के संयोजन में दर्जनों कांग्रेसी सिविल लाइन स्थित सुदर्शन पार्क पहुंचे, जहां महर्षि सुपत सुदर्शन की प्रतिमा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद जिला कमेटी के महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जयसिंहपुर ब्लॉक में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की मौजूदगी में हरक नारायण मिश्रा, राजेश ओझा, शिव पूजन सिंह, डीसी पांडे समेत दर्जनों नेताओं ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई। महिला अध्यक्ष उर्मिला उपाध्याय की अगुवाई में सैकड़ों महिलाएं कांग्रेस कमेटी में एकत्र हुई। यहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए नमन किया। यहां महिला नेताओं ने सभी को अबीर गुलाल लगाकर मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। साथ ही साथ उर्मिला उपाध्याय ने कहा कि नारी की शक्ति के पर्व पर महिलाओं के सशक्तिकरण की नई क्रांति का ऐलान प्रियंका गांधी द्वारा किया गया है, जिसका पूरे प्रदेश की महिलाओं के साथ वह स्वागत अभिनंदन करते हैं। रेणु श्रीवास्तव ने कहा कि दुर्गा पूजा महोत्सव के पर्व पर प्रियंका गांधी द्वारा ली गई प्रतिज्ञा से प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास शुरू हुआ है। पूर्व प्रमुख पुष्पा ने कहा कि वर्तमान सरकार में महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, महिलाओं पर अपराध की बाढ़ सी आ गई है। कंचन सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ का नारा भाजपा से बेटी बचाओ के रूप में चरितार्थ हो गया है। पूनम कोरी ने कहा कि प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद दलित पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में गजब का उत्साह है। किरण राणा ने कहा कि तेजी से महिलाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है। यदि प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर जिले के किसी सीट पर महिला प्रत्याशी को टिकट दी जाती है, तो जिले भर की महिलाएं महिला के सम्मान में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव फिरोज अहमद, राहुल त्रिपाठी, रणजीत सलूजा, तेज बहादुर पाठक, ओम प्रकाश सिंह, नफीस फारूकी आदि लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है 40% भागीदारी को लेकर, क्या कहना है? इस समय माता जी का पर्व चल रहा है, इस समय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने हम महिलाओं को यूपी में 40% टिकट में भागीदारी जो दिया है, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं, लड़कियां बहुत खुश हैं, मतलब हर वर्ग की महिलाएं खुश हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उर्मिला उपाध्याय, जो किसी भी जात पर या समाज सेविका या जो भी महिला आगे बढ़ के, हमारे नेताओं के घर की पत्नियां भी आगे बढ़ चढ़ के आए प्रियंका जी के कंधे से कंधा मिला के महिलाओं को, इस बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए इस सरकार से मुक्ति दिलाएं, इसके लिए हम लोग कंधों से कंधा मिलाकर, चाहे जो भी महिला चुनाव लड़ेगी, हम लोग आज वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर संकल्प लेते हैं कि उस महिला को जिता कर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। गांधी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है 40% टिकट लेकर के, तो क्या कहना है, क्या सोच है? प्रियंका जी की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने महिलाओं को आगे किया, महिलाओं को सम्मान दिया, और जो दलित समाज की औरतें थी, घर में बैठी थी, उपेक्षा की शिकार हुआ करती थी, आज उनको भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, और जो भी कांग्रेस पार्टी किसी भी महिला को टिकट देगी, हम लोग उसको बढ़ चढ़ के उसका सम्मान करेंगे, उसको जिताएंगे, विधानसभा में हम लोग अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। ये भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, आज पूरे प्रदेश में बेटियों पर, महिलाओं पर बड़े अत्याचार बढ़ गए। उनकी बात तो आप करिए ना, सारा प्रदेश जान रहा है, अब कुछ हम अपनी जबान से नहीं कहेंगे, सब लोग जान रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। 40% महिलाओं की भागीदारी की बात कही है, क्या है? प्रियंका गांधी को बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं, ये महिलाओं की शक्ति को एक करने की कोशिश की है, जो दलित पिछड़ी दबी हुई महिलाएं हैं उनको साहस और
शक्ति प्रदान करने को की है। जो भी महिला है उनको बहुत ज्यादा आस है प्रियंका गांधी से। जो भी महिलाएं आएंगी विधानसभा में चुनाव लड़ती है या जो चुनाव लड़ना आएंगी, हम लोग सारी महिलाएं मिलकर उनको जिताने की कोशिश करेंगे और विधानसभा में अपना 40% से ज्यादा हम उनको लाने की कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी को इस विधायक देते हैं।